ये है ना, एक सेकेंड नोट्स देख लें। ये कन्वर्जन ऑफ एन मीडियम बताया था, फिर फिश वाला क्वेश्चन बताया था, फिर ये ऐसे वाला क्वेश्चन किया था ना, मिरर के सामने स्लैब रखा हुआ है तो क्या होगा, और ये है ना, फिर ये वाला क्वेश्चन। अरे बोलो भाई, सर ये नहीं था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं तो हो रहा। ये तुम्हारे वाला नहीं है, तुम्हारे वाला फिर ये है शायद, ये है तुम्हारे वाला ना, जिसमें सबसे पहले अपेरेंट हाइट किया था, हाँ सर ये था, थोड़ा फिर नीचे। ये बर्ड वाले क्वेश्चन किए थे, और हाँ ये सर, ये फिर ये हो गया था ना शिफ्टिंग वाला, कि अगर मैं स्लैब को बीच में डाल दूंगा तो कितना आगे यस। पीछे करेगा वो, हाँ सर, यस सर। ये वाला किया था, फिर प्लेन मिरर के सामने रखा था, और फिर ये वाला किया था कि जिसके अंदर हमारे पास पैराएक्सियल रेस नहीं है, राइट। फिर हमने एससीवी के भी एक दो क्वेश्चन किए थे जो एससीवी के अंदर थे, ठीक है। हाँ ओके, तो बताओ क्वेश्चन किए कुछ एससीवी में से? तो हाँ सर किए। हाँ सर, हाँ सर यार तुम में से किसी ने सर मुझे आप आज कुछ प्रैक्टिस ही कराइए ना। सर क्यों, पार्ट टेस्ट के लिए कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एक्चुअली सर? हाँ मतलब सर पार्ट तो टेस्ट के लिए, पार्ट टेस्ट के लिए तो ये है ना, देखो जो अपना अपना लेक्चर है सैटरडे को भी है ना, हाँ सर। हाँ तो जो अपना सैटरडे वाला लेक्चर है उसको मैं ले लूंगा एज ए डाउट, तुम्हारे जो भी डाउट वाउट हैं, तुम्हें कोई देखो पर्टिकुलर लेकिन टॉपिक फिर करने के से, कितने पड़ेंगे क्वेश्चन? हाँ हाँ सर तो ऑप्टिक्स के लिए एक डाउट सेशन रख दीजिए। हाँ उस दिन कर लेंगे ना सैटरडे वाला, क्या उसके अलावा कोई है नहीं क्या डाउट सेशन तो तुम्हारा इस वीक में? नहीं सर, फिजिक्स का नहीं ना। हाँ सर, पिछले क्वेश्चन का अटेम्प्ट चलो ठीक कैसे है, किया तो जो था। अपने सैटरडे वाली जो अपनी क्लास है ना, दैट विल बी डाउट, आई विल टेक ऑल द डाउट, चाहे वो सेंटर ऑफ मास के हो या ऑप्टिक्स के हो, जो भी हो, ठीक है। ओके और सर, उसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम टू सेंटर, कल मैं एनएसईवुड सेंट्रल सेंटर पे रहूंगा 12 to 3, तो अगर किसी को कुछ पूछना उछना हो तो आ जाना, खारघर में शायद मैं अमन सर और सुमित सर होंगे, है ना। तो और यार तुम में से किसी ने मतलब कि वो तो मुझे भेजा नहीं होमवर्क, तो सर करना कितने थे क्या? अरे स्लैब तक के सारे क्वेश्चन करने थे ना एससीवी के अंदर, अगर देखोगे तो तुमको अपने आप पता लग जाएगा, उसके अंदर डायग्राम मैंने बने हुए हैं, तो डायग्राम देख के पता लग जाएगा कि कहाँ तक क्वेश्चन करने। सर हम ओके पार्ट ऑप्टिक्स, टेस्ट के लिए एचसीएम के अलावा मॉडल करें क्या? हाँ, तुमको एक मैंने पीडीएफ भी किया था ना, फॉरवर्ड किया था, याद है हाँ सर। हाँ उसके सर, अंदर, मॉड्यूल नहीं है हाँ ऑप्टिक्स का मॉड्यूल नहीं है। क्यों सेंटर पे जाके ले आओ, कब से बोल रहा हूँ यार मैं, वो ऑप्टिक एक महीने से बोल रहा हूँ मैं तुमको कि सेंटर पे जाके तुम्हारे जो एक और है बुकलेट का सेट वो ले आओ, तो जब तक तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है तब तक मैं एससीवी और जो है ना पीडीएफ मैंने शेयर किया तुम्हारे साथ में, एटलीस्ट उसको तो कर लो। और जो मैंने पीडीएफ शेयर किया उसमें तो क्वेश्चन बड़े कहते सेगमेंट में दिए हुए हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है कि इस सेक्शन के अंदर क्या है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, कौन सा क्या पार्ट है, तो कोई अपने दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछना उछना कुछ बता दो अभी, अगर एक दो क्वेश्चन पूछने हैं तो अभी कर लेते हैं, क्या पूछना है? एससीबी में है मेरे पास में अभी, अगर एससीबी के अगर किसी को अपने डाउट पूछने हैं तो, हाँ सर, एक मिनट। हाँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यू कैन डू क्वेश्चन अप टू 24 तक के क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो, स्लैब वाले क्वेश्चन है सारे। सर 15th में डाउट था। 15 15 ओके, हाँ क्या दिया इसमें, इसमें दिया हुआ है ए पोल ऑफ लेंथ, हाँ सबके पास में एससीवी है भाई, सर वो डायग्राम नहीं समझ रहा था मुझे हाँ ऐसे ओके वाले। बनाता हूँ मैं एससीवी क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा क्वेश्चन कहता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ।
क्वेश्चन बोल रहा है, ए पोल ऑफ लेंथ 1 meter स्टैंड हाफ डिप इन ए स्विमिंग पूल, ठीक है, वाटर लेवल 50 centimeter हायर देन द बेड. मतलब कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास में उसका बॉटम है, यहां हमारे पास में यहां तक पानी है, तो ये बोल रहा है कि विद वाटर लेवल 50 centimeter हायर देन द बेड, यहां तक इसके अंदर पानी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1/3, जो म्यू इज 4/3. सनलाइट कमिंग एन एंगल 45 degree विद द वर्टिकल, ओके वर्टिकल, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल ऑन द बेड. बताओ कैसे करोगे, कि क्या किया तुमको इसको देख के अंडरस्टैंडिंग क्या हुई क्वेश्चन की? सर पोल का पोजीशन की तरह समझा ही नहीं. ओके तो देखो फंडा ये है कि ये हमारे पास है पोल है, ये पोल है, इसका कितना लेंथ है 1 meter और इसको आधा मैंने पानी के अंदर डुबाया हुआ है. तो ये लो, ये मेरे पास में पानी, तो ये ऊपर का लेंथ कितना हो गया 50 centimeter और यहाँ का लेंथ भी कितना हो गया 50 centimeter. और उसने ये भी बोला हुआ है कि पानी भी कितना है 50 centimeter तक ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट. अब उसने बोला है लाइट, लाइट कहाँ पे आ रही है 45 degree पे. तो पहले अपने पानी को छोड़ दो, पहले मुझे ना जनरली बताओ कि सपोज ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक, ठीक है, ये मेरे पास है ग्राउंड है, एक लाइट अगर आ रही है तो इमेज जो ऑब्जेक्ट का शेडो बनता है कैसे बनता है? सपोज लाइट यहां से आ रही है तो ये लाइट ऐसे आएगी, इसके आगे वाली लाइट ऐसे आएगी, लेकिन जो यहाँ वाली लाइट है वो क्या रुक गई ना अपने ऑब्जेक्ट की वजह से, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं शेडो, लाइट नहीं पहुंचेगा इसको बोलते हैं शेडो, राइट. तो अगर तुमको ये वाला एंगल पता है, ये तुमको हाइट पता है, तो हमारे पास में आ जाएगा उसका लेंथ, टेन थीटा लगा देंगे ना. यस सर. ओके अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमारा रिफ्रेक्शन भी हो रहा है, हमारी जो लाइट है वो अपने कितने एंगल पे आ रही है 45 पे आ रही है, तो पहले 45 पे लेके आओ लाइट को. तो ये लो, ये 45 पे आ गई, ये आ रही है लाइट 45 degree. अगर मेरे पास पानी नहीं होता तो ये जो लाइट है ये तो पूरा 45 पे आगे जाती, लेकिन अब मेरे पास पानी है तो क्या हुआ, रिफ्रेक्शन होगा. तो देखो ये मेरे पास में बैठ, मतलब कि वो आखिरी पॉइंट है ना, ये हाइट है 15 centimeter, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना आएगा ये वाला 50 centimeter. भाई एंगल 45 दिया हुआ है तो ये भी कितना 15 centimeter. लेकिन जब लाइट आगे जाएगी तो लाइट 45 पे नहीं जाएगी ना, लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ये एंगल स्नेल्स लॉ. तो कैसे लगाओगे, 1 into sin 45 = 4/3 sin theta. तो sin theta की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/√2, तो 3/4√2. अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ है 50 centimeter, इस ये जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया x, तो यहाँ से आ जाएगा ना x की वैल्यू आ जाएगी. अरे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तुम्हारा जो तुम्हारा टोटल जो बनेगा शेडो वो कितना बनेगा, ये पूरा पार्ट, क्योंकि इस पार्ट के अंदर लाइट आई नहीं रही है ना, उसके आगे जा रही है. क्लियर? यस सर. चलो गुड. तो सर पर वो लेंथ ऑफ शेडो के लिए 50 प्लस x करना पड़ेगा. हाँ 50 प्लस x, क्योंकि 50 प्लस x वाले पार्ट के अंदर लाइट और नहीं आ रही है ना, उसके आगे तो लाइट जाएगी. और सर उसका पहले वाला सम, सर उसके बाद वाला 16. हाँ सर 16 में भी 16 क्या बोल रहा है, ए वुडन फ्लोटिंग और शेडो, सन इज जस्ट सेटिंग. सन इज जस्ट सेटिंग का मतलब क्या होता है सर, वो स्मॉल डिग्री स्पैड. हां 90 degree हमारे हॉरिजॉन्टल लाइट आ रही है. तो स्मॉल पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए 2.5 meter डेप्थ
तो ये लो क्वेश्चन नंबर 16. तो ये हमारे पास में सपोज उसका लेवल है और ये उसका कब बॉटम है, ये हमारे पास में उसका डेप्थ दिया हुआ है 2.5 meters. ठीक है, ओके. एक हमारे पास है वुडन, स्मॉल पीस ऑफ एन वुडन है, वो ये रखा हुआ है मान लो. ठीक है, वेयर डज द शेडो फ्रॉम द बॉटम विल, तो इसका शेडो कहाँ आएगा, देखो ये, देखो ये यहाँ पे. ठीक है, तो देखो जो लाइट यहां से आएगी ये आ रही है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 90 डिग्री. तो सपोज आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट यहां पे आ रही है, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा. ठीक है, और ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है, म्यू, म्यू कहाँ दिया हुआ है, 4/3. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन 91, क्योंकि बाहर का म्यू 1 है, अंदर का म्यू 4/3 साइन थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू कितने बन जाएगी, 4/3. अरे एक सेकंड, अरे हाँ उल्टा लिख दिया, 3/4. 4/3 तो हो ही नहीं सकता ना, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो अपना 3/4. अब तुमको उसका शेडो यहाँ बन रहा है ना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है हमको लेंथ, और निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमको ये तो पता है 2.5 मीटर है और हमको एंगल भी पता है. हाँ सर समझे, समझे तो सर ये तो डायरेक्टली हो गया, बस नेविस लॉ लगाया और क्या, तो और क्या लगाना है भाई, ये कोई हमारे पास काइनेमेटिक्स या क्या सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना है कि 4-5 इक्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे. ऑप्टिक्स के अंदर मुझे लगा कि हॉरिजॉन्टल आ रहे तो फिर रिफ्रैक्ट नहीं होगा. नहीं देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 90, ठीक है, ऑलमोस्ट. फिर अगर वर्टिकल होता तब रिफ्रैक्ट नहीं होता. अगर वर्टिकल होगा तो ना रिफ्रैक्शन होगा नहीं ना, सीधी निकल जाएगी लाइट. सर अगर ऐसा दिया रहता कि दो पैर में हो रहा है, मतलब सन एकदम, नहीं नहीं यार अगर सन अगर वर्टिकल होगा तो उसका शेडो उधर ही बन जाएगा ना डायरेक्टली एकदम, ओके, क्योंकि जो लाइट अलोंग द नॉर्मल आती है उसका तो रिफ्रैक्शन मतलब वो अपने पास से डेविएट होती नहीं है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है तो एंगल ऑफ अपना रिफ्रैक्शन भी जीरो बन जाएगा. ठीक है, आगे आए पढ़े सर, चलो बताओ. हाँ सीवन में क्या डाउट है, करना है ना, कोलिजन तो पूरा आएगा, हेड ऑन कोलिजन आएगा बस. हाँ तो फॉर्मूला ही तो है उसमें, और क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बस वही, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बस इतना पता होना चाहिए बस, वो भी हेड ऑन कोलिजन का. सर ऑब्लिक नहीं करना ना. नहीं ऑब्लिक कभी नहीं आएगा, मतलब अपने इस वाले पार्ट टेस्ट में नहीं आएगा, बाद में आएगा. हाँ इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे 161 पे, सर वो 23 में ऐसा बता रहे कि स्पेस में है तो फिर मास चेंज हो ना हो एनर्जी कंजर्वेटिव रहेगा, मतलब वो जितना स्पीड है उतना ही रहेगा. हाँ देखो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है ना, ग्रेविटी भी उसके ऊपर एक्ट नहीं करती है स्पेस में. सर तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना. हाँ मोमेंटम अपना कंजर्व रहेगा. हाँ सर तो अगर मास कम हो रहा है तो फिर वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, बट वेलोसिटी उसका सेम ही दिया हुआ है भाई. सर अरे सेम, अरे भाई भाई उसने बोला बस वेट कम हो रहा है ना मास. अरे एक सेकेंड, जो मास कम हुआ वो मास कम होके कहाँ गया, उसी वाले स्पेसशिप में तो है, और कहाँ गया, स्पेसशिप के बाहर थोड़ी आ गया. तो बेसिकली स्पेसशिप एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसा हो गया. हाँ भाई तुम अगर स्पेसशिप को एक सिस्टम लो तो मैन प्लस स्पेसशिप प्लस स्पेसशिप का मटेरियल वो एक आइसोलेट सिस्टम हो गया. तो मैन प्लस स्पेसशिप प्लस उसके अंदर के जो मटेरियल का जो टोटल मास है वो तो अपना कंजर्व है ना. अगर मैन को पसीना भी आया, स्वेटिंग भी किया, तो वो जो स्वेटिंग है वो वहीं तो है,
उसके अंदर ही तो रही, कहां गई वो भाई? उसने ऐसा नहीं किया ना हमने कि उसको स्पेस में फेंक दिया कहीं हमने और। सर बट थोड़ा बहुत तो एनर्जी के फॉर्म में भी हुआ होगा ना। नहीं 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 नहीं, हमको उस चीज को इग्नोर करना है ना। हमको जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया हम तो उसी के उसके ऊपर रहेंगे बेसिस पे। सर जो मतलब मास लॉस्ट हुआ है वो स्पेसशिप के अंदर ही हुआ है ना, मतलब उसके बाहर तो, कुछ नहीं जाएगा। तो बताओ ना बाहर कैसे जाएगा, स्पेसशिप तो बंद होता है ना। स्पेसशिप से बाहर में हवा नहीं जा सकती तो बाकी सामान कैसे जाएगा? ठीक है, तो हम पूरे को एक आइसोलेट सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे और कह देंगे कि कोई हमारे पास में एक्सटर्नल नहीं, मतलब कि वो नहीं है, तो मास हमारा उतना ही है जितना पहले था। सर क्वेश्चन 19 में दो। 19 हां सर 19 डिनोमिनेटर वाले में मुझे इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म दिया सर, वो वाला नहीं आ रहा। ओके देखो, तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। 19 अच्छा क्वेश्चन है। हो क्या रहा है? हो ऐसा रहा है कि सपोज ये मेरे पास में ग्राउंड है, राइट? एक मैन है जो कि यहां से कूदा, ये जो हाइट है ये मुझे क्या दिया हुआ है, कैपिटल एच। अब ये मैन ने यहां से अपने जंप किया, इसका मास है कैपिटल एम और जो उसके हाथ में ब्रीफ केस है उसका मास है स्मॉल एम। ये मैन अगर नीचे आ रहा है, ये यहां तक आ गया सपोज, ठीक है, यहां से यहां तक का हाइट कितना हो गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब यहां पे आके इसने अपनी आंखें खोली, इसने देखा कि यार यहां तो हार्ड सरफेस है, राइट? तो अगर मैं हार्ड सरफेस के ऊपर गिरूंगा तो लग जाएगी, तो इसने बोला कि चलो ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ देर इज ए पॉन्ड। लेकिन जो पॉन्ड है वो कहां पे है, इस वाली लाइन से x अपना डिस्टेंस आगे, यहां पे तुम्हारे पास पॉन्ड है। तो अगर वो मैन पॉन्ड के अंदर गिर जाएगा तो बच जाएगा, है ना? हाँ भाई, ओके। तो मैन को अगर पॉन्ड में जाना है तो मैन को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होना चाहिए वेलोसिटी का, राइट भाई? नहीं तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल के अंदर वेलोसिटी होना चाहिए। अब देखो हॉरिजॉन्टल के अंदर वेलोसिटी आएगी कैसे, उसके पास तो अपने वर्टिकल के अंदर ही वेलोसिटी है ना बस, और वर्टिकल के अंदर ही फोर्स है। तो मैन क्या करेगा, अपना जो ब्रीफकेस है उसको इधर फेंक देगा, अब हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल, हाँ तो हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल के अंदर देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, so linear momentum will be conserved, so if briefcase is going in the left direction then the man will get a velocity in opposite right direction, aur uske paas vertical to hai hi hai, usme to koi dikkat hi nahi hai, theek hai? ab batao suppose is point ko bola a, is point ko bola b, aur jo mera ye jo hai na bottom point hai isko maine bola c, क्या नीचे आने वाले टाइम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन होता है? नहीं सर, नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज इंडिपेंडेंट। तो पहले बताओ यहां से यहां तक आने के अंदर उसको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मुझे स्पीड निकालना पड़ेगा पॉइंट बी पे, राइट? तो हमने बोला नहीं यार इतनी मेहनत कौन करे, मुझे पता है यहां से यहां तक आने के अंदर कितना टाइम लगता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कंप्लीट हाइट है h है, कितना टाइम लगता है, रूट 2h by g। यहां से लेकर यहां तक आने के अंदर कितना टाइम लगता है, रूट 2h - h / g। तो यहां से लेकर यहां तक आने के अंदर कितना टाइम लगेगा भाई, इन दोनों का तो लिख देंगे t - t', राइट है ना? हां सर, रूट 2h / g। नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो या तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करो फिर लगाओगे वी स्क्वायर वाला। तो इससे अच्छा है ना कि कंप्लीट टाइम में से, मतलब ए टू सी आने में जितना टाइम लगता है उसमें से ए टू और बी वाला टाइम में सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास में आ जाएगा ना कि पॉइंट बी टू ग्राउंड जो मेरा
टाइम होगा दैट विल बी रूट टू एच बाई जी माइनस रूट टू एच माइनस एच अपॉन जी. ये मानते हो भाई सब लोग? अब देखो सपोज इसका वेलोसिटी यहां की तरफ होगा v1, तो इसका वेलोसिटी यहां की तरफ कितना होगा? v2. सपोज मैन को, मैन ने ब्रीफकेस को उधर फेंका, तो बताओ मैन का हॉरिजॉन्टल जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? हॉरिजॉन्टल x होगा. और x क्या होना चाहिए? v1 into ये वाला टाइम. इस टाइम को सपोज मैंने बोल दिया अपना t नॉट. क्यों? हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि v1 into capital t. ठीक है? ओके, तो ये इक्वेशन वन. अब इक्वेशन टू लगाते हैं. हॉरिजॉन्टल के अंदर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, तो क्या आएगा? स्मॉल m v2 शुड बी इक्वल टू कैपिटल m v1, बिकॉज इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लीनियर मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली भी कितना रहेगा? जीरो रहेगा, तो जीरो है. बस कर लोगे अब? भाई हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बैग, मतलब हमको क्या फाइंड करना है? हाँ, हमको फाइंड करना है v2. तो पहले इक्वेशन जो वन है उसको इसमें डाल दो यहाँ के. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? v1 आ जाएगा. v1 को इसमें डाल देंगे, इक्वेशन टू में हमारे पास में v2 आ जाएगा. सो क्वेश्चन का पूरा प्रोसीजर हमको देखना है. किसने पूछा था? हमारे लिए समझ में आ गया बेटा? हाँ सर. सर वो मैंने टाइम लेने में गड़बड़ कर दिया टाइम. ये गलती काफी लोग करते हैं, सब लोग लगा देते हैं रूट टू स्मॉल एच बाई जी. नहीं भाई, उस पॉइंट पूरा गायब हो. हाँ, क्योंकि उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसलिए हम नहीं लगा सकते वो. इसलिए हमने क्या किया, कंप्लीट में से ऊपर वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया. चलो ऑप्टिक्स कर रहे. हाँ सर, एक लास्ट डाउट सर. हाँ बोलो सर. एक 22 वाला में मेरे को डाउट है सर, डायरेक्शन कैसे पता लगेगा थर्ड ब्लॉक कहाँ जा रहा है? एक सेकेंड. 22. ओके, ए ब्लॉक इज एट रेस्ट. देखो इनिशियली कितना है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. देखो 22, तो बोला है कि एक मास है जो कि स्टेशनरी है. तो सपोज ये मेरे पास है मास है m, इसका वेलोसिटी कितना है? जीरो. तो हमारे पास में इनिशियली अपने पास कितना मोमेंटम है? जीरो. फाइनली क्या किया? ओके, इसके इक्वल पार्ट्स बन गए m by 3, m by 3, m by 3. Start moving along x axis and y axis. तो इसका जो अपना वेलोसिटी है वो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा एक f में. ठीक है, और वेलोसिटी कितना है? 10. इसका वेलोसिटी कितना है? 10 j cap. इसका वेलोसिटी कितना है? हमको नहीं पता कितना. ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व. तो हमारा इनिशियली कितना था? जीरो. फाइनली कितना बन गया? m by 3 10 i cap plus m by 3 10 j cap plus m by 3 v vector. तो क्या बन जाएगा v vector? minus 10 i cap minus 10 j cap. ये लो बस. तो क्वेश्चन ये बन गया, देखो पहले यहाँ पे रखा हुआ था मास, मान लो मैं यहाँ पे ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो मुझे पता है कि इसका जो मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए? जीरो. आफ्टर ब्लास्ट एक पीस यहाँ चला गया, एक पीस यहाँ चला गया, तो एक पीस को यहाँ आना पड़ेगा ताकि इन तीनों का वेक्टर एडिशन क्या बन जाए? जीरो. बस समझ गया सर. सर मैं वो पहले ही एकदम एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा था कहाँ जाएगा, इसलिए नहीं हो रहा था. नहीं नहीं, तो भाई अपने इक्वेशन से करो, कोई अपने पास दिक्कत ही नहीं है. हाँ ठीक है, हमको अपने जीरो करना है. चलो आते हैं ऑप्टिक्स से. सैटरडे को अपने फुल डाउट करेंगे, कोई इशू नहीं.
ठीक है। तो आज हम एक चीज स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये शायद तुमने नाम सुना होगा, राइट? स्कूल में सुना है क्या होता है TIR? क्या होता है TIR? हाँ. सर ऐसा होता है कि एक लाइट रह जाएगा ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, बट रिफ्लेक्ट होने के बजाय, सॉरी रिफ्रैक्ट होने के बजाय वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 100% रिफ्लेक्शन। ओके सर, वो पहले रिफ्रैक्ट करेगा फिर अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट करके बाहर आएगा क्रिटिकल सर, वो रेन ड्रॉपलेट जैसा सर। सारे के सारे केसेस पॉसिबल हैं। ऐसा हो सकता है कि अंदर जाके या रिफ्लेक्ट करके आए, हो सकता है बाहर की बाहर से हो जाए। वो डिपेंड करता है सर, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि हाँ, इक्वल। वो काफी फैक्टर्स पे करेगा कि तुम्हारे मटेरियल कैसे हैं, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहे हो। तो देखते हैं, तो हमको स्नेल्स लॉ पता है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, राइट? ये होता है ना, एप्लीकेबल ओनली फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। तो हम लेते हैं केस, केस वन। सपोज ये मेरे पास बाउंड्री है, यहां मेरे पास म्यू वन है, यहां मेरे पास म्यू टू है, ये हमारे पास से बन गया नॉर्मल। तो देखो म्यू वन और म्यू टू तो कैसे बन गया, कांस्टेंट बन गया ना भाई। हमारे पास मटेरियल है और हमारे हाथ में कौन सी चीज होती है, आई। इंसिडेंस एंगल तो हमारे हाथ में है, हमारी मर्जी है, हम उसको को कितना भी कर सकते हैं। क्या ना रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारे हाथ में होता है? नहीं सर। नहीं, वो तो कैलकुलेशन करके आता है अपने आप। भाई मुझे म्यू वन पता है, मुझे म्यू टू पता है, आई को आई कैन चेंज, तो आर तो अपने आप बनेगा। तो मैं पहले केस लेता हूं कि म्यू टू जो है वो बड़ा है म्यू वन से। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर। रेयरर टू डेंसर। भाई म्यू वन छोटा है मतलब उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, म्यू टू का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है दैट इज मोर ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है? तो देखो मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो क्या बनेगा, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अभी हमको नहीं पता आर की वैल्यू कितनी आएगी, छोटी आएगी बड़ी आएगी आई डोंट नो। तो अब यहां से मैंने किया साइन आर, साइन आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू वन बाई म्यू टू साइन आई। अब देखते हैं, मैंने तुमको दिया हुआ है कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन वन। इफ म्यू वन इज लेस देन, नहीं हाँ, इफ म्यू वन इज लेस देन म्यू टू देन म्यू वन बाई म्यू टू विल बी लेस देन वन। हाँ भाई मानते हो ना? हाँ सर। यस, साइन आई की वैल्यू तो हमेशा कैसी होती है, लेस देन वन होती है, बिकॉज आई कैन वेरी फ्रॉम जीरो टू 90 and in 0 to 90 our sign is positive or always less than 1. So in dono ka jo multiplication hoga wo kaisa aayega, less than 1 hi aayega bhai. Do numbers hai, dono hi number positive hai aur dono hi number 1 se chote hai, to unka multiplication hamesha 1 se chota hoga. Ha sir. To hum kahenge ki sign r jo hai उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि वैलिड होगी, वैलिड वैल्यू, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन वन। और साइन की वैल्यू अगर लेस देन वन है दैट मींस आई एम गेटिंग अ रियल एंगल, मेरे पास एक एंगल आएगा और वो एंगल मेरा जो होगा वो आई से छोटा ही होगा, राइट? क्यों? क्योंकि साइन आई, सपोज म्यू वन बाई म्यू टू की वैल्यू हो जाए वन, तो साइन आर इक्वल टू साइन आई, लेकिन अगर साइन की वैल्यू कम हो गई है तो साइन का एंगल भी कम हो गया है, तो ये अंदर जाएगा, तो ये एंगल आर। सो अगर आर की रियल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट विल एंटर इन मीडियम टू।
तो यहाँ पे हम एक लिखते हैं नोट कि इफ ए लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड गोइंग इनटू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट विल ऑलवेज गो इनसाइड मीडियम टू. यस, ऐसा बोल सकते हैं. तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. और कंपल्सरी है ना, लाइट को अंदर जाना ही पड़ेगा. कैसा हो सकता है कि लाइट अंदर ना जाए? नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू मेरे पास रियल वैल्यू आ रही है. ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, ये तो केस वन हो गया. केस टू, सर एक बार देख लूं. अच्छा, लिखना है क्या? हाँ चलो लिखो. यस सर. सर ये पार्ट टेस्ट में आ रहा है टोटल इंटरेंस वाला. अरे बेटा पढ़ना तो है ही, एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या हुआ. चलो ठीक है, एग्जाम में नहीं दूंगा. पेपर में क्या करना है कैसे नहीं करना. जब यार पढ़ाने लग गया उसके बीच के अंदर ऐसी चीजें मत पूछा करो. जो तुमको करवाया है वो आना चाहिए. वो तुमको चाहे सिर्फ लेक्चर पढ़ के आ जाए तो भी अच्छी बात है, तुमको 100 क्वेश्चन करके आ रहा है तो भी. जो भी क्वेश्चन करना अच्छे से करना सोच समझ के. सर मुझे एक डाउट है. बोलो. सर वो एक्चुअली बहुत बेसिक है, लेकिन वो म्यू वन और म्यू टू अगर दिया हुआ रहता है ना एक ग्रेटर है, तो सर वो रेयर डेंसर निकालने में कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं उल्टा निकाल देता हूँ. नहीं भाई, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैसा डेंसर है, जिसकी वैल्यू कम है वो ना रेयर है. सिंपल सी बात है. सर जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी ना. हाँ यस, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, डेंसर बोलते हैं. हाँ सर. अभी हो गया, आ गया है. सर मतलब लाइट हर बार एंटर नहीं करती क्या? लाइट देखो अगर ऑप्टिकली या रेयरर से डेंसर में जा रही है तो एंटर करेगी ना, ये तो कंपलसरी हो गया. क्योंकि आई एम गेटिंग ए रियल वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अगर लेस देन वन है तो मेरे पास एंगल की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, और एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी मतलब की लाइट अंदर गई है. हा? हाँ सर. ओके, आ गया. अगर इफ म्यू टू छोटा है म्यू वन बड़ा है, और यहां मेरे पास में म्यू वन है, यहां मेरे पास में म्यू टू, इसका मतलब क्या हुआ? डेंसर टू रेयर. ठीक है, अब इसके अंदर लेते हैं चीजें. तो पहले देखो, कोई हमको दिमाग नहीं लगाना क्रिटिकल एंगल क्या होता है क्या नहीं होता, अपने को सीधा फॉर्मूला लगा देना है. ठीक है, लगाओ. तो सपोज ये हमारे पास में नॉर्मल, ठीक है, ये हमारे पास में इंसिडेंस लाइट आई, ये एंगल आई. ठीक है, अब देखते हैं. अब अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं क्या होता है फॉर्मूला? म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर. तो साइन आर की वैल्यू बन जाएगी म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन आई. इतना लिख सकते हैं. अब देखो म्यू वन बाई जो म्यू टू है दिस इज अपना ग्रेटर देन वन. साइन आई की वैल्यू कैसी है? लेस देन वन. तो साइन आर की वैल्यू के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? सर जीरो टू टू के बीच में कहीं भी हो सकता है. अरे इनफाइनाइट तक जा सकती है भाई,
भाई म्यू वन बाई म्यू टू एक से बड़ा है. हाँ सर सॉरी. ठीक है ना, तो हम ये तो कह सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो लेस देन वन भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन भी हो सकता है. दैट द नंबर विल डिसाइड और एंगल विल डिसाइड. तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से. अब देखो यहां से मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ ना, यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि आर विल बी ए ग्रेटर देन आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्यों? बिकॉज साइन आई नहीं, साइन आर इज द ग्रेटर देन साइन आई, क्योंकि देखो ना म्यू वन बाई जो म्यू टू है दैट इज ग्रेटर देन वन, साइन आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन साइन आई, दैट मीन्स आर विल बी ग्रेटर देन आई, R की वैल्यू हमेशा बढ़ी रहेगी. तो सपोज मैंने स्टार्ट किया जीरो से, सपोज I की वैल्यू जीरो, तो R की वैल्यू क्या आएगी? जीरो. अगर I की वैल्यू जीरो है तो R की वैल्यू को आना ही पड़ेगा जीरो. ठीक है, I को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो क्या हुआ, R की वैल्यू इंक्रीज होगी? हाँ सर, होगी ना थोड़ी सी, लेकिन R की वैल्यू I से ज्यादा ही होगी. आई को मैं धीरे 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 इंक्रीज कर रहा हूं तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आर की वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो आई की वैल्यू से ज्यादा है. तो आर कभी ना कभी तो 90 डिग्री के ऊपर पहुंच ही जाएगा ना. ठीक है, तो ये देखो, तो एक पॉइंट ऐसा आया जब मैं आई को इंक्रीज करता 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 यहां पर लेके आ गया. सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया सी. ठीक है, और इस एंगल पे क्या हुआ कि जो इंसिडेंस लाइट थी उसका एंगल तो बन रहा है सी. अब मुझे ये तो पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है, तो जो मेरी रिफ्रैक्टेड लाइट है वो यहां चली गई. ये लो, ये एंगल मेरे पास बन गया 90 डिग्री. क्या ऐसा है? पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन आई, तो आर की वैल्यू 90 पहले जाएगी, I की वैल्यू 90 तक नहीं जाएगी. इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. एक ऐसा एंगल जिसके ऊपर एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री. मतलब लाइट इज नॉट गोइंग इनसाइड द मीडियम. ओके, इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले R की वैल्यू 90 छोटी रहे, लाइट अंदर जाएगी, ये एंगल आर, लेकिन आर की वैल्यू आई से बड़ी रहेगी. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं. तो फॉर क्रिटिकल एंगल, उसको बोलते हैं सी. एक ऐसा एंगल तो बोलते हैं म्यू वन साइन सी. एक ऐसा एंगल है जिसके लिए जो मेरे पास में एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, साइन सी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन. सी इज साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन. ये दिस इज द लास्ट एंगल, लास्ट एंगल फॉर रिफ्रैक्शन. अगर सपोज मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इसके बाद भी इंक्रीज किया, सपोज जैसे मैं यहां पे आ गया, अब यहां जो एंगल है ये ऐसा कुछ आ गया, दिस एंगल इज आई, तो मैंने कंडीशन लगा दी आई इज ग्रेटर देन सी. तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं फॉर आई ग्रेटर देन सी. क्या आएगा फॉर्मूला, साइन जो आर है वो क्या बन जाएगा, म्यू वन बाई म्यू टू साइन आई. अब देखो, अब मुझे बताओ कि म्यू वन बाई म्यू टू इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, साइन आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन आर जो है वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन आएगा ना, वन आएगा, क्योंकि जब एंगल की वैल्यू सी थी उसी टाइम मेरे पास में साइन आर की वैल्यू कितनी बन गई, वन बन गई. तो अब अगर मैं आई को इंक्रीज कर रहा हूं तो साइन आई बड़ी, तो अगर जैसे मैंने बोला कि साइन आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हम बोलते हैं नॉट पॉसिबल. साइन कैन नॉट हैव
वैल्यू ग्रेटर देन वन, राइट? साइन की वैल्यू तो एक से बड़ी हो ही नहीं सकती, मतलब कि नो रिफ्रैक्शन, मतलब आर नहीं है, आर विल नॉट बी रियल, मतलब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, आर की रियल वैल्यू वी आर नॉट गेटिंग। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब ऐसा होता है तो लाइट क्या करती है, दूसरे मीडियम में जाती नहीं है, वापस उसी मीडियम में आ जाती है, और जब लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे एक बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, आर इक्वल टू आई। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन कब होता है, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हाँ, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी आती है एंगल की कि लाइट बाहर ही नहीं जा पाती है, वो लाइट अंदर ही घूमती रहती है। इसका यूज होता है डायमंड में, तुमने देखा है डायमंड इतना शाइनिंग क्यों मारता है? हाँ सर, क्योंकि डायमंड, हाँ, तो डायमंड के अंदर क्या करते हैं कि उसके एजेस को घिस घिस के वो ऐसा एंगल क्रिएट कर देते हैं कि लाइट उसके अंदर कैप्चर हो जाती है, कि जो बाहर की लाइट है उसको तो अंदर जाना ही है। क्यों जाना है? क्योंकि बाहर का म्यू कम है, अंदर का म्यू ज्यादा है, तो लाइट एक बार अंदर चली गई लेकिन अब वो लाइट अंदर से बाहर नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? अगर वो लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती नहीं तो दिखता कैसे? अरे लाइट आती तो है लेकिन बहुत कम आती है, ठीक है वहां पे सर, तो ऐसे ब्राइट क्यों दिखता अगर कम आती है तो? क्योंकि अंदर की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, अंदर की जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की। सपोज तुम एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे के अंदर तुमने बल्ब को चालू कर दिया तो उसकी कुछ होती है, लाइट होती है ना? अब तुमने क्या किया, अपने चारों वॉल के ऊपर मिरर लगा दिए तो अब क्या होगा, रूम के अंदर जो जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी क्यों? जैसे ही वो लाइट एक मिरर पे स्ट्राइक करेगी वापस आएगी, तो जब उस मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो अपने आप में एक और बन गया सोर्स, तो बेसिकली यू आर हैविंग टू बल्ब्स। फिर वो लाइट कहीं और पे स्ट्राइक करेगी, वहां पे एक और सोर्स बन गया, तो यू आर हैविंग सो मेनी सोर्स। ओके, किस किसने वो देखी है मूवी, देखिए मुगले आजम देखिए, मुगले आजम ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी सर। अरे वो अनारकली वाली जिसमें, हाँ सर ब्लैक एंड व्हाइट। अरे उसका वो भी आ गया, हाँ, कलर सर, वर्जन भी। कलर निकला था तो पेंट करके निकला था ना तो सर, हाँ, तो उसके अंदर जो सॉन्ग आता है ना प्यार किया तो डरना क्या वाला, उसमें जब वो कहते हैं जिस पैलेस में वो अपने डांस करती है, वो किस किस में देखा है वो पैलेस? जयपुर में है शीश महल, देखा है? तो खैर अब तो उसकी एंट्री अब बंद कर दी है, तो शीश महल जो है ना वो एक बहुत बड़ा हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर मिरर ही मिरर है, ठीक है? उस हॉल की एक बहुत अच्छी खासियत है, जिसने भी बनाया है उसको ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से आती थी। उस हॉल के अंदर अगर तुम एक कैंडल को जला दोगे किसी भी मिरर के सामने एक सिंगल कैंडल को जला दो तो पूरे हॉल के अंदर हो जाएगी लाइट, बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी। वहां पे थाउजेंड्स ऑफ मिरर लगे हुए हैं, क्योंकि वो सारे मिरर ऐसे स्पेसिफिक मतलब उस पे एंगल पे रखे हुए हैं कि उस कैंडल की जो इमेज है वो सारे के सारे मिरर में बनेगी। तो बेसिकली अगर तुमने एक कैंडल को जला दिया है तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ कैंडल का इफेक्ट आ जाता है। तो देखो स्मार्टनेस तो उस टाइम भी थी लोगों में, उनको ऑप्टिक्स आती थी। अरे लोग खराब कर देते हैं लोग हाथ वातों को लगा लगा के, यार हमारे इंडियन इतने समझदार नहीं होते ना, तो इसलिए।
देखा हुआ मैंने अंदर से देखा हुआ अपने कॉन्टेक्ट से है ना भाई, अपना तो होम टाउन वही है ना जयपुर, तो अपन तो देख ही सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं तो सेम चीज एंड डायमंड में होती है। तो डायमंड के अंदर लाइट बाहर आती है, ऐसा नहीं है कि लाइट बाहर आ नहीं रही है, लेकिन वो अंदर इतनी बार रिफ्लेक्ट होके आ रही है कि जो नंबर ऑफ जो तुम्हारे सोर्स है वो एक ही सोर्स है, लेकिन वो इतनी बार रिफ्लेक्ट हो गया है कि नंबर ऑफ सोर्स तुम्हारे इंक्रीज हो गए अंदर इफेक्टिवली। तो जो ब्राइटनेस जो आ रही है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो इसके और भी, अब देखो यहाँ पे अंदर अगर तुम उसी मीडियम में वापस आ गए तो तुम्हारा एनर्जी वे एनर्जी लॉस होता नहीं है, तो इसको ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी काम में लेते हैं। तो बार बार रिफ्लेक्ट होके वो लाइट पहुंचते रहती है। तो अभी हमें प्रैक्टिकल पर्पस पे नहीं आ रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू थ्योरेटिकल पर्पस ओनली। तो हमको यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो टी आई आर है वो कब होता है? When angle of incidence is greater than critical angle. It may happen. First, denser to energy. Only when light goes from denser to rarer and angle should be greater than अपना critical angle. देखो अब तुमको हर सरफेस पे है चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से स्नेल सूट लगाओ, अगर साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ गई तो अपने आप ही समझ जाओगे कि यार है ना रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, और अगर है ना रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो है ना टी आई आर करवा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, वो तुमसे सिंपल तो पूछेंगे नहीं कि बताओ कितने एंगल पे आएगा। तो जैसे सपोज हमारे पास में एक लेक है, कंप्लीट लेक पूरा, ठीक है, और ये उसका का बॉटम, बॉटम के ऊपर हमने एक रखा हुआ है सपोज इसको एक लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स से जो लाइट है वो तो हर तरफ जा रही होगी, सपोज इस लेक के अंदर पानी नहीं है तो जो लाइट है वो कहाँ कहाँ जाएगी? सपोज एक यहाँ पे है वो लाइट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, तो सब डायरेक्शन में जाएगा, तो हर तरफ डायरेक्शन में हर तरफ जाएगी पॉसिबिलिटी। देखो ना लाइट यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, इफ नो चेंज ऑफ मीडियम, ठीक है, तो लाइट हर तरफ जाएगी। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, मैंने बोला नहीं लाइट बाहर आनी नहीं चाहिए, मुझे वहां पे किसी चीज को छुपा के रखना है सपोज, है ना, सपोज मुझे यहाँ पे कोई चीज छुपा के रखनी है और मैं चाहता हूं कि वो बाहर के लोगों को दिखे नहीं, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास बाउंड्री है, मैंने इसके अंदर एक वो डाल दिया, लिक्विड डाल दिया सपोज, उसका तुमको दिया हुआ है म्यू। तो अब भी इस सोर्स से निकलने वाली लाइट बाहर तो आ ही सकती है, देखो ना जो लाइट यहां से आएगी वो तो बाहर आ जाएगी, तो हाँ। बाहर अगर कोई अपना ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको दिख जाएगी। सर ऐसे भी तो लाइट बाहर जाएगा ना, रिफ्रैक्ट होके जाएगा, बट जाएगा तो हाँ नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि मिनिमम कितने एरिया का प्लेट मैं उसके ऊपर रख दूं कि बाहर वाले किसी भी इंसान को वो ऑब्जेक्ट ना दिखे। भाई देखो अगर यहाँ पे मुझे कंप्लीट लाइट को वो करना है, क्लोज करना है, तो मुझे कितना बड़ा प्लेट रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मुझे कितना बड़ा प्लेट है ना रखना पड़ेगा। सर लेकिन तो इधर भी तो रिफ्रैक्ट होकर सब जगह से दिख रहा है। हाँ तो देखो ना अभी तुमको बताता हूँ ट्रिक। देखो जो लाइट यहाँ पे आएगी उसका इंसिडेंस एंगल कितना छोटा है, राइट, तो वो लाइट बाहर जाएगी। जो लाइट आगे जाएगी उसका इंसिडेंस एंगल क्या हुआ, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, लाइट बाहर जाएगी। लेकिन कभी ना कभी तो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा ना ये। हाँ सर। सपोज यहाँ पे हमारा क्रिटिकल एंगल बन गया 80, इसके आगे वाली जो लाइट है वो उसका क्या होगा, वो तो बाहर जाएगी नहीं ना, टी आई आर जाएगा उसका। तो मतलब कि हमारे काम की चीज, मतलब कि अगर मुझे लाइट को कंट्रोल करना है तो मुझे कितनी लाइट को कंट्रोल करना है,
बस यहां से यहां तक का ना, क्रिटिकल एंगल तक का, यहां तक का। उसके बाद तो मुझे रखने की जरूरत ही नहीं है कुछ, क्यों, उसके बाहर तो लाइट जा ही नहीं रही है। तो जो यहां पे मुझे इनफाइनाइट साइज का प्लेट रखना था, वो इनफाइनाइट साइज का प्लेट हट के अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये उसका रेडियस बन गया सपोज, एक ऐसा सर्कुलर एंड डिस्क रख दूंगा, है ना, क्योंकि मैं हर तरफ आएगा ना 3D अपना ऑब्जेक्ट, ये तो इसको आर को निकाल लोगे। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास में है म्यू वन, यहाँ पे है म्यू, नहीं सब एक काम करते हैं, बाहर है ना वन ले लेते हैं, हवा है, हवा है वन। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, अगर तुमको निकालना है साइन सी तो कैसे लिखोगे, म्यू साइन सी इक्वल टू वन इंटू साइन 90, तो साइन सी की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, वन बाई म्यू। अब मुझे क्या निकालना है, आर, ये मुझे हाइट पता है, ठीक है, तो इस वाले कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये डिस्टेंस आर, ये हाइट एच, तो ये क्या बन जाएगा, टेन सी क्या बन जाएगा, आर बाई एच, ठीक है। तो यहां से आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, एच टेन सी क्या होता है, टेन सी वन अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। भाई तुमको इसकी वैल्यू पता है ना, साइन सी की वैल्यू पता है तो याद आएगा टेन सी। तो अगर मैं इतनी रेडियस का प्लेट अगर रख दूंगा ये ऊपर, तो नो वन फ्रॉम द आउटसाइड कैन सी दैट ऑब्जेक्ट दैट इज कैप्ट एट दिस बॉटम। सही है, यस हाँ भाई, बताओ समझ में आया ना। तो देखो ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, इसका बहुत एप्लीकेशन लेते थे स्मार्ट लोग। अगर कोई चीज तुमको पानी के अंदर छुपानी है तो वो हाइट वाइज को ऐसे एडजस्ट करते थे, अंदर चीज रखी, अगर सपोज हमारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, क्या वो इस पॉइंट को अपने देख पाएगा, नहीं, ऑल्दो उसकी आंखों के सामने रखा हुआ है फिर भी नहीं देख पाएगा वो, ठीक है ना। तो ये मतलब कि अपने इन्हीं चीजों को बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, की चीजें होती हैं और हमको नहीं दिखती हैं, और कहीं कहीं पे चीजें होती नहीं है तो भी हमको दिखती है। ठीक है, कर लोगे ना, क्वेश्चन दो कुछ, चलो ऐसी वाला ही देता हूँ कोई, हाँ कहाँ पे एससीवी के अंदर कोई है क्या टीआर का अच्छा सा क्वेश्चन, चल देखो। सपोज एक हमारे पास में स्लैब है एक, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब है, एक लाइट है, सपोज यहां का तुमको म्यू दिया हुआ है टू सपोज, और बाहर का म्यू तुमको दिया हुआ है वन। ये लाइट यहां से आई, अरे यार अच्छे से, चलो इसको अपने रूट टू ले लो, और ये एंगल तुमको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो तुमको फाइंड करना है टोटल डेविएशन ऑफ द लाइट, टोटल डेविएशन व्हेन लाइट कम्स आउट फ्रॉम दिस बॉक्स, चलो फाइंड करो। चलो करो, अब तुमको अपने आप सोचना है कि कहां पे लाइट कहां जाएगी, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, टीआर होगा,
लाइट वापस आएगी या नहीं जाएगी, मैं तुमको ये भी नहीं बता रहा कि क्यों नंबर ऑफ एन रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन कितने होंगे, सब कुछ अपने आप सोचना है। सोचो सर, बाहर से इंसिडेंट हो रहा है ना? हाँ, बाहर से इंसिडेंट हो रहा है ना? हाँ, यहाँ से इंसिडेंस हो रहा है बाहर का जो मीडियम का म्यू वन है, और जो हमारा ग्लास का जो ये बॉक्स है इसका म्यू दिया हुआ है रूट टू। सो नाउ यू हैव टू सी, सर स्लैब है तो जीरो नहीं होना चाहिए। सर स्लैब है तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो तुमको भाई यहाँ पे इस वाली सरफेस पे आएगी ना लाइट? हाँ सर, बाहर से बाहर आने के टाइम हो सकता है। हाँ, अगर वो भाई ऊपर वाली स्लैब से इसी पे आगे डायरेक्ट नीचे वाले पे तो ठीक है, लेकिन उस पे भी तो जाएगी ना? यस सर। हाँ भाई, क्या तो पहले वो देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हमने इसी पॉइंट पे क्या, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, तो मैंने लगाया एट पॉइंट ए, क्या है मेरे पास में म्यू वन, तो मैं लिखूंगा वन इंटू एंगल कितना है साइन 45 इक्वल टू म्यू टू कितना है रूट टू, और मैंने बोल दिया साइन आर वन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वन बाई रूट टू इक्वल टू रूट टू साइन आर वन, तो मेरे पास में बन जाएगा साइन आर वन इक्वल टू वन बाई टू, दैट मीन्स आर वन इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब जो लाइट जाएगी वो 30 डिग्री पे जाएगी, राइट? तो ये लो, ये चलेगी 30 डिग्री पे, ये एंगल मैंने बोल दिया
30 डिग्री. अब लाइट यहाँ पे आ गई इस वाले फेस पे. अब देखो इसके लिए इंसिडेंस एंगल कितना बन गया ये वाला 60. इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट बी. अब मैं चेक करता हूं कि पॉइंट बी पे क्या होगा. तो हमें नहीं पता, हम पहले सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं फॉर पॉइंट बी. म्यू वन कितना है रूट टू. यहाँ पे एंगल कितना है साइन 60 इक्वल टू बाहर का म्यू कितना है वन. सपोज उसको मैंने बोल दिया आर टू, तो साइन आर टू की वैल्यू क्या बन जाएगी रूट टू इन टू रूट थ्री बाई टू. तो क्या बन जाएगा रूट थ्री बाई टू. क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है. नहीं है. दिस इज अ ग्रेटर देन वन और मैं कह दूंगा दैट इज नॉट पॉसिबल. तो मतलब क्या हुआ यहां हमारे पास में होगा टी आई आर. तो यहां से मैंने टी आई आर करवा दिया. टी आई आर हो गया तो कुछ ऐसा हो गया. ये लो टी आई आर होगा तो वो एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा 60. ठीक है. अब बताओ अब ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये कितना बन गया 30 डिग्री. अब इस पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट सी. अब मैं लगाऊंगा पॉइंट सी पे. पॉइंट सी पे क्या लगाऊंगा रूट टू इंटू साइन 30 इक्वल टू बाहर कितना है वन इंटू साइन सपोज उसको आर बोल दिया. तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास में साइन आर की वैल्यू बन जाएगी वन बाय रूट टू आर इक्वल टू 45 डिग्री. तो 45 डिग्री तो ये है यहाँ की तरफ आ जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस एंगल इज 40. अब ये लाइट बाहर आ गई है ना अभी अंदर नहीं जाएगी राइट. हमको क्या निकालना पहला वाला ही रिफ्लेक्शन डायरेक्ट वो अपोजिट वाले. हां सर मेरा कहना भी वही सर पहला वाला ही मैंने डाल दिया नीचे. अगर पहले वाला उस पे डाल दोगे फिर तो यार बनेगा ही नहीं ना क्वेश्चन. फिर तो हमारा पैरेलल स्लैब बन गया वो. तो सर वो ऐसे पता कैसे चलता है अगर ऐसा कि वही सर वो नहीं सुनो वो क्या होता है कि एग्जाम के अंदर वो डायग्राम बना के दे देंगे कि यहां से जाने वाली लाइट सेकंड वाले फेस पे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है. तो उसके अंदर होगा नीचे करा दिया तो डेविएशन सीधा जीरो आ गया. हां सर ओके चलो चलो अब देखते हैं. अब हम डेविएशन देखते हैं. पहले वाले पे डेविएशन कैसा आएगा कितना आया डेविएशन डेल्टा वन 45 पे आ रही थी 30 पे चलेगी कितना हुआ 15 डिग्री. कहां की तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्योंकि लाइट नीचे की तरफ आया. तो डेल्टा वन इज 15 डिग्री कैसा क्लॉकवाइज. सेकंड में मेरे पास में क्या हो रहा है क्लॉकवाइज ही हो रहा है लेकिन कितना हो रहा है क्लॉकवाइज रिफ्लेक्शन हो रहा है ना मेरे पास में. क्या होता है रिफ्लेक्शन में पाई माइनस कितना बन गया 60 डिग्री कैसा क्लॉकवाइज. ये भी यहाँ भी अपना क्लॉकवाइज ही घूम रहा है रे. फिर आता डेल्टा थ्री. डेल्टा थ्री के अंदर भी लाइट क्या हुआ 30 पे आ रही थी 45 पे चले लेकिन वो 15 डिग्री से घूम गई है 15 डिग्री कैसा क्लॉकवाइज. तो बेसिकली टोटल जो मेरा डेविएशन आएगा सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया 90 डिग्री. तो वो देखो क्वेश्चन जब आता है ना एग्जाम में तो वो काफी चीजों को ना मिक्सअप करके घुमा देता है. ऐसा हो सकता है कि वो उसके अंदर डेविएशन वाली वो पूछे चीजें पूछे है ना. सर मुझे हर क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन हो जाता है बस डेविएशन लास्ट में निकालने में रॉन्ग हो जाता हूँ. अब देखो डेविएशन अगर देखोगे तो हमारे ना स्टार्टिंग में आ जाओ चैप्टर के. हमको पता है जब रिफ्रेक्शन होता है तो लाइट अपने पास से थोड़ा सा डेविएट होती है या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी. इस केस में देखो 45 पे थी वो 30 पे आ गई तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्लोजर टू नॉर्मल आ जाता है. तो नॉर्मल के पास में आ गया वो. तो नॉर्मल के पास में आ गया मतलब कहाँ की तरफ आया नीचे की तरफ. तो उसको मैंने क्या बोल दिया क्लॉकवाइज. अब यहाँ पे मैं आया तो मैंने पूरा इसका देख लिया ना कहते पूरा सेंस ही देख लिया कि लाइट को कहाँ जाना था और कहाँ जा रही है. फिर उसको देखा तो वो भी अपना क्लॉकवाइज आ गया. जब थर्ड वाले पॉइंट पे आया
तो उस टाइम भी क्लॉकवाइज ही आ गया सर। वो पॉइंट बी और सी के लिए सर आपने जो म्यू टू लिया सर वो आपने वन क्यों लिया सर? भाई क्योंकि लाइट यहाँ पे जाएगी ना, बाहर क्या है, बाहर क्या है एयर, इसलिए वन लिया। मुझे एक्चुअली फिगर बनाने में इशू होता है भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब फिगर्स, तो फिगर तो अच्छा मतलब बनाने वो जा कर रिफ्रैक्टर के कौन सी सरफेस पे लगेगा वो नहीं समझ में आता। नहीं देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कंफ्यूजन होना सही था कि भाई सर मैं लाइट को मतलब एंगल एंगल कर लेता हूं मैं, वो समझता है, बट फिर वो लाइट जाएगा कहां, कौन सी सरफेस पे लगेगा वो नहीं समझ। वो विद पॉइंट पे करता ना, पर नहीं वो तो मैं कह रहा हूं ना कि देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्लियर नहीं था कि कहां जाएगी, क्योंकि वो बॉटम पे भी आ सकती थी डायरेक्ट और वहां भी जा सकती थी, ठीक है। तो अगर बॉटम पे आती लाइट डायरेक्ट तो फिर तो हमारा स्लैब वाला क्वेश्चन बन जाता ना, तो वो क्वेश्चन तो हमने किया ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करना था इसलिए मैं लाइट को वहां ले गया। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफाई किया होगा कि सपोज इसको मैंने बोल दिया फेस वन, इसको मैंने बोल दिया फेस टू, तो वो कहेगा कि लाइट विल स्ट्राइक ऑन फेस टू, तो मतलब तुमको फेस टू पे लाइट को लेके जाना, और पॉइंट ए पे तो लाइट को अंदर जाना ही पड़ेगा बिकॉज लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन रेयरर मीडियम एंड एंटरिंग इन द डेंसर मीडियम, तो उसको जाना ही पड़ेगा। हाँ भाई किसी को कुछ डाउट इसमें, एनीवन? अरे बोलो। नहीं है सर। नहीं है, ओके चलो। तो रिफ्रैक्शन जो है उसके अंदर ये चीजें हमारे पास में है, हम इनको अब बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे तो और आएगा। फिर हमारे पास में आता है तो देखो यहाँ पे सारी की सारी जो है ना रिफ्लेक्टिंग, जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी वो थी प्लेन। तो अब मिरर में आते हैं, तो हमने जब स्टार्ट किया था मिरर तो सबसे पहले क्या किया था, प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर का डेफिनेशन? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन। उसके बाद हमने क्या किया था, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो प्लेन वाली चीजें हमारी हो गई हैं, तो अब हम एक चीज स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व, और वो भी एक कैसा कर्व, स्फेरिकल, क्योंकि वो तो सब कुछ हो सकता है ना, इलिप्टिकल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, कर्व सरफेस। ये हम फॉर्मूला उसके लिए ड्रैग, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होता है, एक ऐसी लेयर जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो बाउंड्री जो है, पहले हमारी जो बाउंड्री थी दैट वाज प्लेन, नाउ आवर बाउंड्री इज स्फेरिकल, ठीक है। तो जैसे पहले उसका वो बना के दिखाता हूं डायग्राम, तो ये है मेरे पास में, तो ये जो जो आर्क है किसी ना किसी स्फेयर का तो पार्ट है, तो सपोज ये उस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां का जो मीडियम है वो मैंने बोल दिया म्यू वन, यहां का मैंने बोल दिया मीडियम म्यू टू, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि खाली जगह है पूरी, ये हमारे पास में कुछ ऐसा है कि इसके इस साइड का जो मीडियम है वो ऐसा है, भरा हुआ है पूरा, खाली नहीं है वो, और यहां का जो मीडियम है वो ऐसा है। और ये हमारे पास में बाउंड्री है, तो ये जो बाउंड्री है ये है मेरे पास में है रिफ्रैक्टिंग
सरफेस, अगर इसी रिफ्रेक्टिंग सरफेस को मैं एकदम स्ट्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा ना, वो तो स्लैब टाइप वाला, एक तरफ म्यू वन है एक तरफ म्यू टू है। बट नाउ दिस, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ओ से, ठीक है, ओ बोल दो या फिर सी बोल दो, चलो सी, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो चीज है ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, हाँ अरे बताओ, यहां से यहां का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल। भाई जो भी तुमने कर्व लिया है उसका रेडियस, ये पॉइंट, ये क्या होता है, पोल, पोल, पोल कि क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है पोल का, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सेक्शन रहता है वो, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस हमारी है रिफ्रेक्टिंग सरफेस को जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। और पोल को ही हम क्या लेते हैं, ओरिजिन, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये तो यहां मेरे पास में बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरे पास में बन गया पोल जिसको मैं बोलता हूं अपना ओरिजिन। यहां से लाइट आएगी, मतलब कि यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखूंगा, सो दिस इज लाइन ऑफ वो जहां पे हमारी लाइट रे जाएगी। तो यहाँ ये मेरा अपना ओरिजिन, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, यहाँ के पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। इसके अगर ऊपर जाऊंगा तो प्लस वाई, और अगर नीचे आऊंगा तो माइनस वाई, जो हमने उसमें किया था मिरर में, जो साइन कन्वेंशन है वो हमारे पहले वाले ही रहेंगे। ओके, इस डायग्राम में बताओ तुम्हारा जो कहते हैं सेंटर ऑफ, जो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि वो अपने उस तरफ है ना। ओके, तो हमें देखो अब क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस की टर्म में और बाद में चेंज कर देंगे अपने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो पहले डिस्टेंस, तो हमें क्या करना है, हमको दिया हुआ है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व सरफेस, और जो हमारा इमेज है उसमें स्पेसिफाई कर दिया हमने कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसके पास में एक ही कोऑर्डिनेट होगा, मैं उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बिठा दूंगा तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो ये सपोज हमने वहां की तरफ ले लिया, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक, यहां से यहां का डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, देखो अभी ध्यान से देना, इसको मैंने बोला है डिस्टेंस यू, यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां का जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज आर, ये मेरे पास में पोल, वो मेरे पास में ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज बनाने के लिए मुझे कितनी वो चाहिए लाइट रे, दो, मिनिमम दो, टू सफिशिएंट, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ ओनली टू लाइंस, तो सबसे अच्छी लाइन कौन सी होती है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एक अलोंग प्रिंसिपल, अलोंग, यस, तो सबसे अच्छी, तो एक लाइट रे तो यहां से जाएगी, ये लो, मुझे पता है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जीरो, तो एंगल ऑफ जो जो रिफ्रेक्शन होगा वो भी कितना होगा, जीरो, तो पहली लाइट तो ये चलेगी। अब एक लाइट और लेके जानी है मुझे, यहां का मुझे दिया हुआ है म्यू वन, यहां का दिया हुआ है म्यू टू, ठीक है, मतलब कि म्यू वन एक ऐसा मीडियम है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां से लाइट आएगी, म्यू टू एक ऐसा मीडियम है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा है
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है जिसको इस ऑब्जेक्ट को देखना है कि कहाँ दिखेगा उसे। अब यहां से एक लाइट में और लेके जाता हूं, तो देखो एक लाइट ये गई, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस में होना चाहिए ना पहले, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर वो लगाते हैं फिर स्नेल्स लॉ। तो पहले मैंने बनाया नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज माई नॉर्मल। ये जो एंगल है इस एंगल को क्या बोलते हैं, आई इंसिडेंस रे और जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसे बोलते हैं आई। अब लाइट आगे जाएगी तो ये तो लाइट का एक्चुअल पाथ, ठीक है। लाइट सपोज यहां चली गई और लाइट यहां पे जाके मीट कर गए, ये तो वो जो पॉइंट है वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट का नहीं अपने इमेज का डिस्टेंस, जिसको मैंने बोला v, ठीक है। और ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये क्या बन जाएगा r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ भाई, हाँ सर, ओके। अब देखो, अब जैसे हमने उसमें किया था ना स्फेरिकल वाले के अंदर किया, सेम चीज हम यहाँ करेंगे। तो हमने कुछ पहले तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ कहाँ पे लगा रहे हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। तो एट पॉइंट ए इफ आई वांट टू अप्लाई स्नेल्स लॉ कैसे लगाऊंगा, एट पॉइंट ए क्या बनेगा, म्यू वन साइन आई, साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करता हूं कि फॉर पैरा एक्सियल रेज क्या होती है, पैरा एक्सियल रेज जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई एंड साइन आर अप्रोक्सीमेटली आर, है ना। ये तो हमने उसमें भी किया था ना मिरर में। तो यहां से मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर, दिस इज माय इक्वेशन। इसको मैं बाद में काम में लूंगा, कैसे लूंगा वो देखते हैं, ओके। अब सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, इस एंगल को मैंने बोल दिया बीटा और इस एंगल को मैंने बोल दिया गामा, कुछ याद आया। हाँ भाई, हाँ सर, वो साइन रूल वाला। अब देखो अल्फा बीटा गामा को मुझे आई और उसके फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लिख दोगे। तो देखो ये मेरे पास में है इमेज, तो ट्राइंगल आई ए सी में आओ, आई ए सी, हाँ क्या है ट्राइंगल आई ए सी, एक एंगल उसमें आर है, उसमें एक एंगल आर है, एक एंगल गामा है, एक एंगल बीटा है, वेयर बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो वो बन जाएगा बीटा इक्वल टू गामा प्लस आर, है ना। हाँ भाई सही है, यस सर, ओके। अब मुझे रिलेशन लेके आना है इसमें बाकियों में, ठीक है। तो ओके, बाकियों में लेके आओ। तो अगर मैं देखूं ट्राइंगल ओ सी ए, देखो ट्राइंगल ओ सी ए में, ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आर, अरे आई, हाँ हाँ सॉरी, ओ सी ए में एक्सटीरियर एंगल आई है, तो क्या बन जाएगा आई, आई शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अब मैं यहां से आई और आर के अंदर रिलेशन लेके आता हूं, तो
आई मेरे पास में है अल्फा प्लस बीटा और आर मेरे पास में है बीटा माइनस गामा। ओके हाँ एक ये लो, काफी इतना या और करो? सही है सर, एक सेकंड और ऊपर बस या और? हाँ बस। अब बताओ इसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर में क्या किया था? Perpendicular drop किया था, right? बताओ कि क्या बन जाएगा अल्फा, क्या बन जाएगा डिस्टेंस के फॉर्म में? अभी उसको छोड़ दो, कहते साइन वाइन छोड़ दो सर। हाँ नहीं सर, बोलो बोलो। नहीं सर, वो पी बाय पी है। ठीक है, तो नहीं अब मुझे एक चीज बताओ, तुमको इसको कोई डिस्टेंस के फॉर्म में करना है या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में करना है? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कर लो। तो अगर मैं अल्फा एंगल को पॉजिटिव ले रहा हूं, देखो मैं अल्फा एंगल कैसा जा रहा है मेरा, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, नहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। लेकिन जो मेरा बीटा और जो गामा है दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव। तो ठीक है, तो अगर मैं एरो के हिसाब से ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा अल्फा क्या बन जाएगा बताओ? तो एल अपॉन यू, ठीक है। बीटा क्या बन जाएगा? एल अपॉन माइनस एल अपॉन आर, ठीक है। ओके, और गामा क्या बन जाएगा? माइनस माइनस एल बाई वी, एल बाई वी, ठीक है। अब इन सबको इसमें डाल दो अपने ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आई और हमको एक चीज और पता है इक्वेशन वन से, हमें पता है कि म्यू वन आई इक्वल टू क्या है, म्यू टू आर। सो म्यू वन आई क्या है? अल्फा प्लस बीटा। म्यू टू क्या है? आर में क्या आएगा? बीटा माइनस गामा। तो चलो थोड़ा सिंपलीफाई कर दें, तो ये बन जाएगा म्यू वन, ओके अल्फा क्या है? एल अपॉन यू। बीटा क्या है? माइनस एल अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू। बीटा क्या है? माइनस एल अपॉन आर। और गामा क्या है? माइनस माइनस एल अपॉन वी। हाँ लेकिन यहाँ पे एक और माइनस है ना, प्लस हो जाएगा सर, प्लस एल बाय वी। हाँ प्लस हो जाए, प्लस एल अपॉन वी। अब एल को तो कैंसिल कर दो हर जगह से, तो क्या बन जाएगा? म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू माइनस म्यू टू अपॉन आर प्लस म्यू टू अपॉन वी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक तरफ लेके आते हैं। तो मैंने लिखा ये जो है ना म्यू टू, म्यू वन को उधर ले गया, तो क्या बन जाएगा? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू, इसको इधर ले आया, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये मेरा फॉर्मूला है कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज फॉर्मूला, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज। अब देखो यहां पे क्या है, म्यू टू क्या है, म्यू टू क्या है, वेयर इज सेकेंड मीडियम ऑब्जर्वर, जहां पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि देख रहा है। म्यू वन क्या है? ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बाकी तुमको पता ही है। तो देखो फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, म्यू टू जहां पे क्या बैठा है, मेरा ऑब्जर्वर बैठा है जिसको इमेज देखनी है, तो नीचे
अपना इमेज का कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट देखो ना, मैंने एंगल को उसमें लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में लिया है, तो सब कुछ कैसे आ गया कोऑर्डिनेट। फिर आता है म्यू वन, क्या है म्यू वन, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला है। अगर इसी के अंदर मैं निकालना चाहूं कि फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, आर बाय टू का डेफिनेशन। अरे यार तुम यार रट्टा मत मारा करो, क्या होता है फोकस, मिरर वाले इसको से बोल रहे हैं फॉर फोकस, क्या मतलब होता है फोकस, फोकस का मतलब होता है सारे रेस मीट करते हैं वो पैरेलल जो रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मतलब कि व्हेन यू इज माइनस इनफिनिटी, तो जो तुम्हारा वी है उसको फोकस बोलते हैं ना, मतलब जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जिस लोकेशन पे बनती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो इस सिस्टम के लिए फोकस क्या बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा म्यू टू अपॉन एफ माइनस क्या बन जाएगा म्यू वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये तो अपना जीरो बन गया, तो म्यू टू अपॉन एफ इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन वन बाई आर, इसको ले जाओ तो वन बाई एफ इक्वल टू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू टू वन बाई आर। ये हमारे पास फोकस है इस वाले सिस्टम के लिए। तो हमें कोई फोकस वोकस है ना याद नहीं रखने अब यहाँ पे, ठीक है, हमको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर कोई तुमसे फोकस पूछेगा तो बता देंगे हम फोकस का मतलब क्या होता है, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, तो जहां भी तुम्हारा इमेज बनता है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो हमने यू का वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दिया, हमारे पास में फोकस आ गया। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन जो मैंने किया है इसको एक बार घर जाके अपने आप से करके देखना कि कैसे कैसे एंगल ऑफ व्यू आया है, और अगले जो है दो तीन क्लास है हम इसी के ऊपर स्पेंड करेंगे, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इसी का एक्सटेंशन फिर हमारे पास में आएगा लेंस, क्योंकि लेंस के अंदर रिफ्रेक्टिंग सरफेस कितनी होती है, दो होती है ना, ना यस, तो ये फॉर्मूला हमको दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो बाइकॉन के हो जाएगा जो भी हो भाई, हमने यहाँ पे हमें अज्यूम तो किया ही नहीं है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, हम तो आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर आर की वैल्यू है पॉजिटिव है मतलब है कॉन्वेक्स है, आर की वैल्यू नेगेटिव है तो कॉनकेव है, ठीक है ना। तो अभी हम कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फॉर्मूले बस v और r का साइन मतलब हमारे पास रहेगा ना कि इमेज यस अगर सपोज इसी के अंदर बताओ अगर तुम्हारे पास में v का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कैसा है, रियल या वर्चुअल। v अगर पॉजिटिव आया वर्चुअल हो गया। अरे अब v पॉजिटिव आएगा मतलब रियल है, लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है आगे जाके, देखो ना डायग्राम में। हाँ सर, हाँ है ना, तो कंफ्यूज मत होना मिरर से, देखो यहाँ पे अगर v पॉजिटिव आ रहा है पूरा मिरर का। हाँ अरे तो हर चीज में अलग अलग है ना यार, कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो अगर यहाँ पे v की वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब कि लाइट एक्चुअल में जा रही है, तो लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कि रियल इमेज, और अगर v की वैल्यू आती है नेगेटिव मतलब कि लाइट को हमने एक्सटेंड किया है। ओके यस, तो है ना रियल वर्चुअल हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए देखो TIR तुमको करना है, और इसका ये डेरिवेशन एक बार करके देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी मत करना, क्वेश्चन में करवाऊंगा उसके बाद करना, ठीक है सर। और सैटरडे को अपन COM का SC वर्मा क्वेश्चन कौन सा नंबर बोल, क्वेश्चन 36। हाँ क्या हुआ इसमें सर, एक कोलिजन के ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं इसलिए हो नहीं रहे।
भाई तुम बताओ ना कि मैक्सिमम पॉसिबल जो लॉस होता है वो कब होता है, जब तुम्हारे पास में जो कोलिजन होती है परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, इक्वल टू जीरो। ठीक है। हाँ सर।